इंद्रदेव और सूर्यदेव को गए हुए बहुत समय बीत चुका है। कहीं भीतर वो असुर हमारी पत्नियों के साथ दुर्व्यवहार तो नहीं कर रहा? आप चिंता मत कीजिए अग्निदेव, इंद्रदेव प्रथम पूज्य गणेश जी और महादेव के पास गए हैं, वहां से वो अवश्य किसी शेष समाधान के साथ शीघ्र ही लौटेंगे। सर्वप्रथम हमें सभी देवियों को सुरक्षित करना होगा, महिषासुर से उन्हें मुक्त कराना होगा। किंतु गणेश जी कैसे, महिषासुर ने तो पग पग पर प्रहरी खड़े कर रखे हैं, और यदि हमने कुछ भी करने का प्रयास किया तो वो देवियों को क्षति पहुंचा सकता है। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए सूर्यदेव, उसके लिए भी एक योजना है मेरे पास। ये सुख सुविधा, ये भोग विलास के साधन, इतनी समृद्धि के कारण ही ये देवता इतने आलसी हो गए हैं। किंतु क्या अधिकार है देवताओं को इतना सुख भोगने का, जिन्होंने मेरे पिता का वध कर मेरा बचपन मुझसे छीना, और ये इन सुख सुविधाओं के साथ आनंद मनाते रहे। नष्ट कर दो इन कलाकृतियों को, नष्ट कर दो, नष्ट भ्रष्ट कर दो। सभी देवगण माताओं को देवलोक में एकाकी छोड़ हल्दी लाने चले तो गए हैं, किंतु ज्ञात नहीं मेरा मन क्यों किसी अनिष्ट की आशंका से घिरा जा रहा है। किसका तो साहस है ये? अरे रुको, कौन महिषी हो तुम? यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? रुको इसे, रुको! कौन हो तुम और यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? दौड़ जाओ जहाँ से आए हो, अन्यथा तुम्हारा वध कर देंगे। वध तो अवश्य होगा, किंतु तुम्हारा मेरे द्वारा। कहा था मैंने मुझे मत रोको, क्योंकि मुझे यहाँ प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता। कौन है ये भयंकर महिष? असुरों ने हम पे आक्रमण कर दिया, हम यहाँ सुरक्षित नहीं है। देवियों, हमें यहाँ से निकलना होगा। असुरों ने हमारे ही मार्ग पे रोक दिया, अब क्या करें? देवी सची, यहाँ से निकलने का कोई मार्ग बताइए। कैसा अनिष्ट है, कौन है ये दुष्ट असुर? स्वामी कहाँ है?
अति सुंदर देवी, तुम तो अति सुंदर हो। अब जान लो मेरा भी परिचय। यहां का नया स्वामी हूं मैं, महानतम असुर महिषासुर, महिषासुर, महिषासुर। रसम थुम्बा। आदेश स्वामी। मेरी असुर सेना को पहुंचाओ मेरा संदेश। कोई भी नहीं कर सकेगा मेरे भवन में प्रवेश बिना पाए मेरा आदेश। दुस्साहसी असुर। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं हम कौन हैं? मैं देवराज इंद्र की पत्नी सची हूं। जब मेरे स्वामी लौटेंगे तब तुम्हें कठोर से कठोर दंड देंगे। मिथ्या वचन मत कहो देवी, सत्य स्वीकारो। अब ये है मेरा भवन, अब मैं हूं यहां का स्वामी। देवता कहां रख सके तुम सभी को मुझसे सुरक्षित, इसीलिए उन्हें तो होना ही होगा तुम्हारे सानिध्य से वंचित। मेरी सेवा करोगी अब तुम सभी मिलकर। मैं तो स्वामी हूं अब तुम्हारा, मैं महेश सभी का ईश। धन्यवाद करता हूं मैं देवराज का जो अपने भवन से दूर गए हैं, कहीं असुरक्षित छोड़ गए मेरे लिए इतनी सुंदर सुंदर देवियां। बस बहुत हुआ असुर। रसम ध्यान से, अभी तो मात्र प्रारंभ हुआ है हमारा आनंद। अभी ही फैलाओगे इतना आतंक तो फिर क्या करोगे जब आएगा अंत। ना 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 ना, धीरे धीरे स्वतः मंद पड़ जाएगा इन देवियों का स्वर। जब ज्ञात होगा इन्हें कि कितना बलवान है इनका असुर महिषासुर। बंदी बना लो इन सभी को, मनोरंजन तो बाद में भी होता रहेगा। स्वामी कहाँ हैं आप? शीघ्र आइए, मुक्त कराइए हमें। देवगण, अब हल्दी कुमकुम उत्सव संपन्न हो चुका होगा और देवियां हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी, हमें शीघ्र लौटना चाहिए। ये क्या हो रहा है वहां पर? देवगण सावधान, प्रतीत होता है किसी दुष्ट असुर ने इंद्रलोक पर आक्रमण किया। नहीं जा सकते। मूर्ख, तुम्हें ज्ञात भी है तुम कहां और किसके समक्ष खड़े हो? देवराज इंद्र हूं मैं और ये मेरा भवन है, हट जाओ मेरे मार्ग से।
हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? इतने ऊंचे स्वर में क्यों बोल रहे हो देवराजेंद्र? मूर्ख, मेरे भवन पर अपना अधिकार स्थापित करने की उद्दंडता की है तुमने और मुझसे पूछ रहे हो कि मैं ऊंचे स्वर में क्यों बोल रहा हूँ? ना 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 ना, मेरी दृष्टि से देखो इंद्रदेव और जान लो भीतर और बाहर का अंतर। मैं यहाँ हूँ और विवश हो तुम वहां रुकने पर, जैसे कि कोई साधारण सा नर। और ध्यान से सुनो इंद्रदेव, अब तुम नहीं, मैं महेश सबका ईश हूँ, स्वर्ग लोक का अधिपति, अधिपति, महानतम असर, तुम्हारे इस अपराध के लिए मैं देवराज इंद्र तुम्हें मृत्यु दंड अवश्य दूंगा। स्वामी, स्वामी, स्वामी! रक्षा कीजिए हमारी, रक्षा कीजिए हमारी, हमारी स्वामी, हमारी स्वामी। नहीं इंद्रदेव, ये उचित समय नहीं है, वो देखिए। दुष्ट ससुर, मत करो ये अपराध, मुक्त कर दो देवियों को। परिवार पे वार हृदय पर प्रहार के समान लगता है ना इंद्रदेव? सभी का ईश, मैं महेश, तुम सभी देवताओं को मिटाने के बाद एक एक कर हरूंगा तुम्हारी पत्नियों का जीवन। प्रणाम महादेव। प्रभु हमारी सहायता कीजिए। प्रभु क्या हुआ इंद्रदेव, मुझसे कैसी सहायता चाहिए? प्रभु स्वर्गलोक महासंकट में है, उस दुष्ट महिषासुर ने, उसने हमारी पत्नियों और देवियों को बंदी बना लिया है, स्वर्गलोक का अधिपति बन बैठा है। प्रभु हमें उसे रोकना होगा, उस पर आक्रमण करना होगा। हमें महिषासुर, प्रणाम पिताश्री, प्रणाम देवराज, प्रणाम सूर्यदेव। हाँ गणेश जी, वो दुष्ट महिषासुर हमारी पत्नियों का वध करने वाला है, हमें कुछ भी कर उसे रोकना होगा। ब्रह्मपुत्र महिषासुर का जन्म मेरे वरदान से हुआ था, मैं तुम्हें एक पुत्र का वरदान देता हूँ, यदि तुम्हारा पुत्र प्रयास करेगा तो अपने लिए अमृत तुमने वरदान प्राप्त कर सकेगा। और फिर जब रंभ का वध हुआ तो उसके पुत्र महिषासुर ने ब्रह्मदेव का कठोर तप किया और उनसे वरदान प्राप्त किया और अजय बन गया, क्योंकि उसे प्राप्त वरदान के अनुसार मनुष्य, पशु, यक्ष, किन्नर और देव उसका कोई अंत नहीं कर सकता। मेरे इस रूप के पीछे एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य है, कदाचित यही वो संकट है जिसे दूर करने के लिए माँ ने ऋषि पुत्री कात्यायनी के रूप में अवतार लिया है। मुझे पिताश्री और देवताओं को ऋषि पुत्री कात्यायनी के विषय में बताना चाहिए। वो दुष्ट असुर महिषासुर कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मैं अपनी समस्त देव सेना के साथ उस पर आक्रमण अवश्य करूंगा। किंतु इससे समस्या का समाधान नहीं निकलेगा इंद्रदेव,
पुत्र गणेश, तुम प्रथम पूज्य हो, कहो तुम्हारा क्या सुझाव है। इंद्रदेव, मेरे विचार से इस प्रकार महिषासुर पर आक्रमण करना उचित नहीं। तो गणेश जी, आप ही बताइए हम क्या करें। इंद्रदेव और सूर्यदेव को गए हुए बहुत समय बीत चुका है, कहीं भीतर वो असुर हमारी पत्नियों के साथ दुर्व्यवहार तो नहीं कर रहा। आप चिंता मत कीजिए अग्निदेव, इंद्रदेव प्रथम पूज्य गणेश जी और महादेव के पास गए हैं, वहां से वो अवश्य किसी शेष समाधान के साथ शीघ्र ही लौटेंगे। सर्वप्रथम हमें सभी देवियों को सुरक्षित करना होगा, महिषासुर से उन्हें मुक्त कराना होगा। किंतु गणेश जी कैसे, महिषासुर ने तो पग पग पर प्रहरी खड़े कर रखे हैं, और यदि हमने कुछ भी करने का प्रयास किया तो वो देवियों को क्षति पहुंचा सकता है। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए सूर्यदेव, उसके लिए भी एक योजना है मेरे पास। ये सुख सुविधा, ये भोग विलास के साधन, इतनी समृद्धि के कारण ही ये देवता इतने आलसी हो गए हैं। किंतु क्या अधिकार है देवताओं को इतना सुख भोगने का, जिन्होंने मेरे पिता का वध कर मेरा बचपन मुझसे छीना, और ये इन सुख सुविधाओं के साथ आनंद मनाते रहे। नष्ट कर दो इन कलाकृतियों को, नष्ट कर दो, नष्ट भ्रष्ट कर दो। अवश्य देवतागण इस असुर से हमारी सुरक्षा के लिए कोई योजना बना रहे हैं, वो शीघ्र ही लौटेंगे और हम सबकी रक्षा करेंगे। देवी, महिषासुर अत्यंत शक्तिशाली, स्वयं ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है उसे, कि उसे कोई नहीं पराजित कर सकता। देवी शची, अब हम क्या करेंगे, महाशक्ति जो है देवी पार्वती वो भी यहाँ नहीं है। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा करनी होगी हमें, अब वही है जो हमारी रक्षा कर सकते हैं, हमारे विघ्न हर सकते हैं। हाँ, आप चुप जाइए शची। आप सभी माताओं को प्रणाम तो मुझे करना चाहिए।
महिषासुर की जय। अब प्रारंभ होना चाहिए मनोरंजन। जाओ उन देवियों को यहाँ बुला लाओ। जो आज्ञा महान महिषासुर। आप सभी माताएं चिंता मत कीजिए, मैं आपको यहाँ से सुरक्षित ले जाने आया हूँ। बस आप मेरे साथ आइए, मेरी एक योजना है जिससे मैं आप सभी को मुक्त करा लूंगा। आप कदाचित देवसेना द्वारा महिषासुर पर आक्रमण की अपेक्षा कर रही थी, किंतु इस समय बल से नहीं बुद्धि से कार्य लेना ही उचित है, और वही करूंगा मैं। आइए। व्यर्थ है तुम्हारा छुपने का प्रयत्न। कोई नहीं बच सकता हमारी दृष्टि से। संकट के समय शक्ति काम आए ना आए, किंतु बुद्धि अवश्य काम आती है।